अल्मोड़ा से आ रखे हैं और हमारे प्रभारी MOIC और हमारे पूरे बैजनाथ हॉस्पिटल का हमारा जो परिवार है और हमारे यहाँ के सभी लोग जो बैजनाथ के आज यहाँ मौजूद हैं। तो मैम सरकार का क्या आशा, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो टूट जाएगी फिर क्या होगा? यहाँ पर रहे यहाँ की डिलीवरी भार न आज हमारे हॉस्पिटल में लगा है कैंटी और है कुछ बहुत अच्छा होने वाला हमारे बैजनाथ हॉस्पिटल में। हमारे ACMO मैम भी आ चुके हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़े को प्रणाम, छोटे को ठे सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने CSC बैजनाथ से। तो आज यहाँ पे ना आयुष्मान आरोग्य शिविर लग रहा है, तो उसी का यहाँ पे अभी उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय विधायक जी और हमारी ACMO मैम और हमारे ब्लॉक प्रमुख और हमारी आशा बहन सारा हमारा हॉस्पिटल स्टाफ आए थे और बहुत से मरीज लोग गांव स्तर से आए हैं, तो सभी का यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है। अभी आप बने रहे मेरे ब्लॉक में, लाइक करते हैं आपको, थैंक यू दीदी। आज हमारी क्यूट सी दीदी आए हैं, दीदी वैसे तो रिटायर हो गए लेकिन दीदी का दिल जो है ना वो CSC बैजनाथ में ही है और हम भी बहुत याद करते हैं दीदी को और दीदी हर महीने आते रहते हैं हम लोगों से मिलने। थैंक यू दीदी। तीन के तीन फ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज आप लोग सभी जनता का यहाँ पर। हमारे आयुष्मान आरोग्य शिविर है स्वास्थ्य विभाग और हमारी उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से। तो यहाँ पर अभी हमारे मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से 6 सुपर स्पेशलिस्ट, इन्होंने अपने विभिन्न बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, सुजला तिवारी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल्स, तो ऐसे ऐसे अपनी सेवाएं दी हैं। तो उनकी उनकी जो अनुभव है उनका हमारी जनता को यहाँ पर, गरुड़ की जनता को ये लाभ मिलने जा रहा है। थोड़ी देर में ही हम ये OPD की प्रक्रिया शुरू करवा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, सारी जनता का, सारे हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का। तो आप लोगों के सहयोग से हम अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक छोटा सा कैंप यहाँ पर रखवा रहे हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ पर आज आरोग्य जन आरोग्य समिति के तहत जो है आयोजन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बाहर से अल्मोड़ा से टीम आ रखी है, सभी डॉक्टर्स के, इसमें बाल विशेषज्ञ रोग है और आपके हड्डियों वाले डॉक्टर हैं और फिजिशियन, नॉर्मल फिजिशियन, तो सभी लोग आ गए हैं और काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पर विधायक जी भी आने वाले हैं, उनके शुभारम्भ में यहाँ पर रिबन काट के उद्घाटन किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे गांव से बुजुर्ग लोग आए हैं बहुत उम्मीद लेके। हम भी चाहते हैं आप हमारी फोटो ले लोगे तो अच्छा ही है। आज आप यहाँ अपने को दिखाने आए हैं, आपको क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है, मेरा कान नहीं सुनता हूँ एक। अच्छा। और दूसरा घुटने में दर्द है मेरा। कौन से गांव से हैं? मैं शैली स्टेट का रहने वाला हूँ। अच्छा। कैंप में स्वागत है आपका। हाँ, आपका धन्यवाद हो आपको। आपका शुभ नाम? धनशेखर है। अच्छा, आपको क्या परेशानी है? हमको यहाँ जांघ में दर्द हो। अच्छा, अच्छे डॉक्टर आए हैं आज, हड्डी वाले। ठीक। और हमारे बुजुर्ग अम्मा लोग भी आए हैं। अम्मा आप कहाँ से हो? मैं अच्छा की देखो ऐसा तुम आपको क्या बीमारी रहे तुम गए? हाँ गैस लग है, शुगर लग है। अच्छा अच्छा, दांत में दर्द हो रहा, शुगर भी है, बसों में दांत उड़ाने गई। हाँ। उन्होंने कहा पहले शुगर नपा के लाओ, शुगर 200 से ऊपर हो रहा, 250। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब आने वाले हैं, इनको दिखा लेती हूँ। अच्छा, हाथ में भी तकलीफ है। अच्छा, नमस्कार। आप भी? अरे नहीं सुनते। माँ देखो नेपाल से, नेपाल से काम करते करते यही सब हुआ देखो। ओहो, पैदल होना मैम आदत।
नमस्कार मैम। अरे एमओएससी सर और आर्या सर यहाँ पे तैयारी पे जुटे हैं अभी। हेलो, नाम बताओ। दरवान सिंह। और हमारी करवट आशा बहने काटे हैं पर्चे। गोविंद सिंह लेते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन सभी यहाँ पर कर रहा हूँ। और सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनका मैडम महिमा विष्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथ में हमारी जिले की एसीओ मैडम मैडम हैंकी जी हमारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ पर दिया, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को आपके अनुभव का यहाँ पर करवाना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम। और साथ में हमारी प्रमुख मैडम भी यहाँ पर हैं, सीओ मैडम भी हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के लिए दीप प्रज्वलन की के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आज की हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय विधायक मैडम को सवाल उड़ाकर उनका क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे चिकित्सा अधिकारी जी से अनुरोध है आप पहले बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। अभी हम यहाँ पर अपने विभाग और क्षेत्र की तरफ से बुके देकर स्वागत करना चाहेंगे और डॉक्टर स्वामी जी से उनके लिए सौ लगा उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आचार्य महोदय का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका समय देने के लिए। मैं अनुरोध करूँगा अपने एमओआईसी सर से डॉक्टर पुनेरा जी का स्वागत, डॉक्टर अशोक कुमार सर का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अनिल पांडे सर का डॉक्टर भरत सर हमारे यहाँ पे बीच में रहने चुके हैं, आपके में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकप्रिय विधायिका श्रीमती पार्वती दास जी और हमारे सेमू मैडम, सेमू साहब के जगह में उनके जगह में मैडम आई है, और हमारे यहाँ के प्रभारी और मेडिकल कॉलेज से जितने भी स्टाफ आए हुए हैं और यहाँ के जितने भी अधिकारी और समस्त आशाएं जितने भी वर्कर बैठनाथ के हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस शिविर में जितने भी लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं फायदा होना चाहिए, और सभी डॉक्टर सभी का मैं यहाँ पे पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में मेरी करोड़ों की लोग प्रमुख हिमा विष्ट जी आपका स्वागत है। हमारे बीच में जी डॉक्टर विजय आर्य जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पांडे जी
आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सलेन जी आपका भी स्वागत है। कर सकते हो वहाँ पर बाहर जाके कर सकें। मेरा आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप इनका अच्छी तरीके से इलाज करें और हमेशा यहाँ पर आज लग रहा कि कुछ अच्छा हुआ है करके ये लगा, तो मुझे आप लोगों से कहना है कि जहाँ तक हो आप इतने अनुभवी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेजों में इधर आए हैं, तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से हमारे मरीज जितने भी हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आपके पास आती है तो एक व्यवहारिक तरीके से उनसे पेश आए और उनका इलाज अच्छी तरीके से करें। यही आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी समस्याएँ यहाँ की होंगी जनता की से भी मेरा अनुरोध है आप मुझे बताएँ और जो भी कमियां यहां पर होंगी आप मुझे बताएं, हम पूरा अपना सहयोग देंगे। और क्योंकि मेरी ये क्षेत्र की मेरा क्षेत्र है, मैं इसके लिए कोई चीज़ की भी कमी नहीं कर सकती और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप ज़रूर मेरे पास आएं और मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अल्मोड़ा से आ रखे हैं और हमारे प्रभारी MOIC और हमारे पूरे बैजनाथ हॉस्पिटल का हमारा जो परिवार है और हमारे यहाँ के सभी लोग जो बैजनाथ के आज यहाँ मौजूद हैं, तो आज के दिन ही बहुत अच्छा स्वास्थ्य शिविर लगा रखा है हमारे बैजनाथ हॉस्पिटल में और हमारे सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स आ रखे हैं और ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ और यहाँ से सभी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर से आप स्वास्थ्य लाभ लें। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में आप लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे स्वास्थ्य शिविर आगे भी लगेंगे तो उससे भी हमारी जनता को बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं सबका वेलकम करती हूँ की जनता को मेरा नमस्कार। मैडम दोनों मैडम को हमारा नमस्कार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हम लोग जितने भी 20-25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स हैं आप उनसे अपनी बात खुल के बताइए, आपको ज़रूर लाभ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिसोर्सेज भी ठीक है और दवाइयाँ भी शायद मिल जाएगी यहाँ से, तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपके स्वास्थ्य में जरूर सुधार होगा। सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, ज़्यादा टाइम की कमी है, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय मैम और हमारे बीच उपस्थित समस्त वरिष्ठ चिकित्सक जो अपना कीमती समय और इतना एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही जल्दी में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है इसमें और यही कहना चाहेंगे कि समस्त जनता जो आज उपस्थित है वो आगे भी हम लोग ये शिविर करवाएंगे। ये हम लोगों का पहला शिविर है और इसी तरह आज लोग आप लोग आए हैं कि दूर से अपनी समस्याओं का निदान और जो भी लाभ उठा सके इस शिविर से, उसी के साथ जो है कि ताकि आगे भी कुछ अगर व्यवस्थाएं इसी तरह सुधारी जा सके, क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है। आप सभी लोगों को जो है पहाड़ में क्योंकि विशेषज्ञ चिकित्सकों की सबसे ज़्यादा कमी रहती है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी समस्या जो हमारे बीच चिकित्सक हैं उनसे खुल के गए और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। धन्यवाद। डॉक्टर्स अब अलग अलग रूम में बैठ गए हैं और सभी लोग मरीज को देखने लग गए हैं। हम सभी लोग विधायक मैम से मिले क्योंकि हमारे बैजनाथ हॉस्पिटल में गाइनो मैम की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सारी
डिलीवरियाँ यही इन मैम की बहुत जरूरत है मैम यहाँ पे बहुत ज्यादा सरकार मैम सरकार का क्या आशा रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी जो टूट जाएगी फिर क्या होगा तो है ही आप लोग इतना संभालते हैं लेडी डॉक्टर है यहाँ पे साथ हमारी लेडीज मैडम है लेकिन गायनो मैम के ना होने से ना सारे डिलीवरी हमारे बाहर जा रहे हैं अभी जब अभी आप देखो ना आप तो क्षेत्र की रहे यहाँ की डिलीवरियाँ बाहर न जाए टाइम हो गया चार और हम लोग भी चलते हैं अब कैंप निपट गया है सब लोग चले गए हैं तो इसमें और स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे लगाए जाएंगे जिसमें कि भरपूर मात्रा में सुविधाएं जनता तक पहुँच पाएंगी। ये हमारा अभी इस साल का पहला शिविर है। आई होप आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।